नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। 1959 में चीन ने भारत की जमीन पर सड़क बनाने की शुरुआत की थी। भारत ने कहा हमें भरोसा है। 1961 तक भारत की सीमाओं पर चीन के सैनिकों का जमावड़ा शुरू हो गया। भारत ने तब भी कहा हमें भरोसा है, लेकिन आज नहीं। आज ऐसी बात नहीं है, भारत दोस्ती को समझता है लेकिन ज्यादा विश्वास नहीं करता है। इसीलिए चीन ने लद्दाख में तैनाती की, भारत ने अरुणाचल तक अपनी सेना को तैनात कर दिया है। भारत अपनी जमीन पर सड़क बनाता है, चीन को आपत्ति होती है, भारत कह देता है यह हमारी जमीन है, यह आज का हिंदुस्तान है। चीन इस हिंदुस्तान से कभी पार नहीं। हमारी संकल्प शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति ही हमारा आगे का मार्ग तय करती है। हमने यदि अपना गार्ड डाउन किया, अपनी सुरक्षा थोड़ी भी कम की, तो चीन फिर शैतानी करेगा, बदमाशी करेगा। इसीलिए चौकन्ना होके रहने की जरूरत है। हिंदुस्तान चाइना को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि चाइना कहता कुछ है और करता बिल्कुल अलग है। हिंदुस्तान में आज की तारीख में जबरदस्त क्षमता है। हिंदुस्तान चीन के साथ आँख में आँख डाल करके बात कर सकता है, और अगर कोई ऐसी स्थिति होती है जवाब देने की वो काबिलियत रखता है। 1962 वाली सेना नहीं है अभी, और चीन जानता है, और यही कारण है। आप देखेंगे ये जब दो देश अपनी फौज की काबिलियत को समझने लग पड़ते हैं तो एक म्यूचुअल डिटरेंस पैदा होता है। आज वो म्यूचुअल डिटरेंस है। चीन पंगा नहीं लेगा, उसको पता है कि अगर वो पंगा लेगा तो क्या होगा। चाइना रिस्पेक्ट फर्मनेस, वो समझता है उस बात को जो उनकी भाषा में हम उत्तर दें। चीन की निगाहों में भारत के जितने निशाने हैं, भारत के तरकश में चीन के हर निशाने के लिए उतने तीर। भारत ने कमान की प्रत्यंचा इतनी खींच रखी है कि चीन को यकीनन उन तीरों की नोक का अंदाजा हो रहा है। भारत ने जो तीर चलाने शुरू किए हैं, युद्ध नीति के तीर से चीन तार तार हो रहा है। चीन पंगा नहीं लेगा, उसको पता है कि अगर वो पंगा लेगा तो क्या होगा। तो सेनाएं वो जानती हैं कि जो एक कॉन्फ्लिक्ट है उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं पड़े वो भयंकर होंगे। उस करके एक म्यूचुअल डिटरेंस पैदा हो जाता है। कूटनीति के तीर से चीन दुनिया में दरकिनार हो रहा है। PP-14, PP-15 एंड PP-17। PP-14 जो गलवान वैली में है, जो बहुत अहम है हमारे लिए, और PP-17 हॉट स्प्रिंग्स एरिया में, दोनों साइड्स ने एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर 2 किलोमीटर की एक अपनी डिसएंगेजमेंट करी है। सो एक तरफ से इसका मतलब ये है कि डिप्लोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर साहब से कि प्रेसिडेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब की बातचीत चल रही है, और चाइना के साथ भी चल रही है, और दोनों आर्मीज ने एक डिसीजन तो लिया है कि एज ऑफ नाउ एक दूसरे से डिसएंगेज करें और टेंशन को कम करें। रणनीति के तीर से चीन सारी चालबाजियों में लाचार हो रहा है। तकरीबन 3,340 किलोमीटर के अंदर 61 ये प्रोजेक्ट थे। इस 3,340 में से 99% कनेक्टिविटी हासिल की जा चुकी है। 75% ब्लैक टॉपिंग हो चुकी है। ये जो 1% जो बचा हुआ वो 27 किलोमीटर के करीब का दो टुकड़े हैं, दो रोड्स के, जो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तकरीबन 4,000 किलोमीटर के उसने हाईवे बना रखी है। कितने ही उसके हेलीपैड्स हैं, लॉजिस्टिक डंप्स हैं, इंटरनल रोड्स हैं, कनेक्टिंग रोड्स हैं, रेल एंड ट्रैक्स बन रहे हैं तिब्बत से, नेपाल के अंदर भी उसका रेल ट्रैक बन रहा है। तो उसका कम्युनिकेशन इतना बढ़िया हो गया, हमारा काफ़ी कमज़ोर रहा। लेकिन पिछले 6-7 साल में हमने भी कुछ इसमें तरक्की की है। हालांकि तरक्की मैं कहूँगा परसेंटेज वाइज शायद 30-40-50% ही हुई होगी, इतनी बाकी है, लेकिन कुछ तो तरक्की हुई है। ईस्टर्न लद्दाख में आप देखिए सड़कें बन गई, काफ़ी सड़कें बन गई। दौलत बेग औल्दी का एयरपोर्ट कमर्शियल हो गया, फुकचे का एयरपोर्ट कमर्शियल हो गया। हमने वहाँ कुछ दिन पहले एक टैंक रेजिमेंट भी भेज दिए, मैकेनाइज कॉलम्स भी वहाँ पर है। आत्मनिर्भरता नीति के तीर से ट्रेड वर्ल्ड में शर्मसार हो रहा है। आज से हर भारतवासी अपने लोकल के लिए वोकल बनना है, लोकल के लिए
वोकल बनना है, न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। चीन के हर दुस्साहस के जवाब में भारत का अदम्य साहस। भारत चीन संबंधों के बीच इतनी गहरी रेखा खींच रहा है जो LAC के समझौतों की स्याही से भी गाढ़ी है। 1962 की बात तो कब की बेमानी हो चली, उसके 5 साल बाद से ही भारत चीन रिश्तों की हर लड़ाई चीन की शिकस्तों का दस्तावेज है। भारत चीन टकराव की हर तारीख चीन की पराजय की कहानी है। देखिए, जो लड़ाई जो होती है ना, वो दो सेनाओं के बीच में तो होती है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है, इट इज़ अ क्लैश ऑफ विल्स। वो जो भी फॉर्म रहेगा अपनी जगह में डट के रहेगा, जीत उसी की होगी। तो चाइनीज़ ने ये सोचा कि जैसे 62 में हुआ था, ये पीछे हट गए थे नाथुला में, वैसे ही होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। हमारी फौज वहीं डटी रही, मुंह तोड़ जवाब दिया और चाइनीज की बहुत कैजुअलिटी की। चाइना रिस्पेक्ट फर्मनेस, वो समझता है उस बात को जो उनकी भाषा में हम उत्तर दें। यांगसे नाम की जगह है वहाँ पर एक, जब युद्ध चल रहा था तो उन्होंने यही किया जो आज यहाँ कर रहे हैं लद्दाख में, और फिर हमने उनको ऐसा सबक सिखाया कि उसके बाद आज के दिन तक कभी चीन ने वहाँ आने की हिम्मत नहीं की। इसका मतलब ये नहीं हमने गोली चला दिया, मिसाइल फायर कर दिया, बम डाल दिया, पर तरीके होते हैं। मुझे दोस्ती में सब कुछ भुला दिया जाता है, लेकिन दुश्मनी में हर तारीख रणनीति का अध्याय तय करती है। फिर अब जो भारत दुनिया के सामने है, वो दुनिया के लिए नया भारत है। चीन उसके लिए समस्या जरूर है, लेकिन ऐसी समस्या जिसके निदान का भी पूरा प्रबंध है। एक जमाना था कि हमारी सरहदों से कोई भी घुस जाता था, हमारी सीमाओं के साथ छेड़खानी करता था, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और दिल्ली के दरबार में उफ तक नहीं की जाती थी। हमारे समय में भी उरी हुआ, पुलवामा हुआ, मगर ये नरेंद्र मोदी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कुछ ही दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घस में घुस कर दंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और इसके साथ ही भारत की रक्षा नीति को वैश्विक स्वीकृति मिली। पूरा दुनिया ये मानने लगा कि अमेरिका और इजराइल के बाद अगर कोई देश अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए सक्षम है तो उसमें तीसरा नाम हमारे महान भारत का जोड़ने का काम किया। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, हम लोग किसी भी सूरत में भारत के सम्मान और स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। समस्त देशवासियों को इस वर्चुअल रैली के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारत की नीति रही है कि हम किसी के सम्मान और स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाने की कभी कोशिश करते हैं और न हम अपने मान सम्मान और स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त कर सकते हैं। यह हमारे भारत का चरित्र है। भारत किसी भी तरीके से ढिलाई नहीं बरतेगा। भारत ने पश्चिम से लेकर पूरब तक पूरी जो सीमा है उस पर सैनिकों की तैनाती कर दी है। भारत ने आज तक कभी भी आक्रमण नहीं किया है किसी दूसरे देश पर, पहला हमला नहीं किया है, लेकिन हर हमले का सही जवाब देने के लिए भारत सक्षम है। वक्त इम्तिहान का है तो हर सिपाही तैनात है, तैयार है, तत्पर है। 10 जून को हुई मेजर जनरल स्तर की बातचीत से पहले चीन कई हिस्सों से पीछे हटा। उससे पहले 6 जून की वार्ता से पहले भी वो 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे हटा। आज स्थिति ये है कि गलवान घाटी के क्षेत्र पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और 15 से और हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 17 से चीन 2 से 3 किलोमीटर पीछे जा चुका है। दौलत बेग ओल्डी, डेमचौक और पेंगोंग झील के क्षेत्र में गतिरोध अब भी कायम है। भारत और चीन के बीच बातों के दौर चल रहे हैं। चीन स्थितियों को सामान्य बता रहा है, लेकिन भारत ने चीन से एक बात पहले दिन से क्लियर कर दी है,
कि हालात को सामान्य तब माना जाएगा जब भारतीय सरहद की हर हद से चीनी सैनिक पार चले जाएंगे। I would just like to assure everyone that the entire situation along our borders with China is under control. We are having a series of talks which started with the core commander level talks on the 6th of this month. This has been followed up by a number of meetings, and as a result of this, a lot of disengagement has taken place, and we are hopeful that through this continued dialogue that we are having, all perceived differences that we have will be set to rest. जंग की तैयारियों के वीडियो दिखा दिखा कर चीन बार बार भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता है, लेकिन भारत इसे समझता है। 1962 में मिले चीन से धोखे के बाद उसने चीन से निपटने की रणनीति में बदलाव किए। दुनिया इस बात को समझ भी रही है। हार्वर्ड केनेडी स्कूल के वेलफेयर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स की रिसर्च में कहा गया है कि युद्ध की स्थिति में भारत उत्तरी सीमाओं में चीन पर भारी पड़ सकता है। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की सामरिक शक्तियां बिखरी हुई हैं और सैनिकों को लाना ले जाना चीन के लिए आसान नहीं होगा। तिब्बत और शिनजियांग प्रांत में विरोधों को दबाने में चीनी सेना का बड़ा हिस्सा व्यस्त रहेगा। यहां तक कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने चीन को जल्दी संभल पाना बिल्कुल आसान नहीं होगा। जल थल नभ में भारत ने जिस तरह अपनी शक्ति को स्थापित किया है, उससे पार पाना चीन के लिए आसान नहीं होगा। आज की तारीख में इंडियन आर्मी बहुत सशक्त है। आज के हालात में हमेशा चाह होती है ज्यादा मॉडर्नाइज करने की, ज्यादा बेहतर इक्विपमेंट लेने की, लेकिन हम लोग काबिल हैं अपनी रक्षा करने के लिए। दूसरा, आज हमारी आर्मी को पिछले 5-6 दशकों में जो एक्सपीरियंस है, हमारे सोल्जर्स अब बड़े कॉम्बैट हार्डी हैं। तो अब ये कोई ना समझे, ना चाइना, ना इंडिया, ना दुनिया समझे कि ये अब 1962 जैसी हालत हो सकती है। सो इंडिया इज नो पुशओवर। सेना अध्यक्ष जो हमारे हैं तीनों अनुभवी हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं अत्यंत अनुभवी हैं, उन्होंने खुद चीन के सामने काम किया है वलांग नाम के क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात जो है कि आज भारत की जो जनता है, भारतीय जनता की मानसिकता, ये एकदम चीन के विरुद्ध हो गई है। एक रिपोर्ट चीन को अपने ही देश की भी देख लेनी चाहिए। चीन के रक्षा विशेषज्ञ और सैन्य चीनी मैगजीन मॉडर्न वेपनरी के संपादक हुआंग गुओजी ने लिखा है कि पहाड़ी मैदान और पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे अधिक अनुभवी सेना सिर्फ भारत के पास है, और 12 डिवीजन में 2,00,000 सैनिकों के साथ भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली माउंटेन फाइटिंग फोर्स है। इस समय भी हर मोर्चे पर भारतीय सेना चीन के सामने डटी हुई है। चीन के चालबाज चरित्र को समझते हुए भारत चौकन्ना है और इसी के चलते सरहद से जुड़े हर मोर्चे पर मुस्तैद है। लद्दाख में 3rd इन्फेंट्री डिवीजन डिप्लॉयड है। इसके अलावा ऊंचाई पर युद्धाभ्यास करने वाली 2 अलग अलग ब्रिगेड तैनात हैं। हिमाचल प्रदेश में अतिरिक्त ग्रुप्स भेजे जा चुके हैं। उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं सेक्टर में सैन्य बल बढ़ा दिया गया है। उत्तरकाशी के चिन्यालीसौर में एयरफोर्स ने हवाई पट्टी को एक्टिव कर दिया है। चीन की नजर यहां भी हमेशा रही है, तो इस मोर्चे पर भारत पूरी तरह तैयार हो चुका है। सिक्किम में सैन्य बल बढ़ाया जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश में भारत ने पूरा इंतजाम कर रखा है। इसके अलावा सुकना में 33वीं कोर, तेजपुर में 4th कोर, रांची में 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कोर को भारत ने तैनात कर दिया है। हम भारत और चीन के फौजों की कुल संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर उस 3,488 किलोमीटर लंबे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कितने सैनिक दोनों तरफ से हैं उसकी बात कर रहे हैं। और अगर हर सेक्टर का तुलनात्मक अध्ययन हम करें तो ये तस्वीर हमारे सामने आती है। चीन बार बार अपने सरकारी मीडिया में प्रोपोगंडा वीडियो जारी करके शक्ति प्रदर्शन करता है। उसकी कोशिश रहती है कि इस हाई क्वालिटी फिल्म प्रोडक्शन के जरिए दिखावा करके वो अपने विरोधी के दिमाग पर हावी हो जाए, लेकिन जमीनी स्तर असली लड़ाई लड़ने की बात कुछ और होती है। हमारे जो लीडरशिप है ये ट्रेन होके ऊपर आती है। अभी चीन में प्रॉब्लम क्या है, चीन में कॉन्स्क्रिप्शन का एक दौर है, जिसके अंदर 3 साल के लिए एक आदमी आता है, चाहे वो डॉक्टर है चाहे वो इंजीनियर है, और उस बंदे को भेज दिया जाता है बॉर्डर के ऊपर। और मैं आपको बता दूं, मुझे याद है जब डेपसांग हुआ था तो हमने इसको एनालाइज किया था,
और ये उभर के आया था कि जो उनकी लीडरशिप है, उनके जो लीडर्स लोअर लेवल के ऊपर हैं, वो जानते नहीं हैं कि लड़ाई क्या है, वॉर फाइटिंग क्या है, ग्राउंड रूल्स क्या हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या हैं, जो उभर के आए हैं, जो हमारे चार जो हमने साइन किए हैं पीस अग्रीमेंट उसके तहत, वो नहीं जानते हैं। आखिरी बार चीनी सेना 1979 में एक्शन में देखी गई थी और तब उसे युद्ध लड़ लड़कर सख्त हो चुकी वियतनाम की सेना से शिकस्त मिली थी। इसीलिए अक्सर चीन को कागज का शेर कहा जाता है। कागज और आंकड़ों में तो चीन की सेना बेहतरीन नजर आती है, लेकिन चुनौतियों से भरी असली परिस्थितियों में चीनी सैनिक मिट्टी के शेर साबित होते हैं। लद्दाख में पेंगोंग सो पर तनाव के बीच भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं और ऐसे में तमाम एक्सपर्ट दोनों पक्षों की ताकत का आकलन कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए कि भारत के कितने सैनिक चीन से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में उत्तरी आर्मी कमांड में 34,000 भारतीय सैनिक तैनात हैं। उत्तराखंड में केंद्रीय आर्मी कमांड में 15,500 सैनिक तैनात हैं। सिक्किम, अरुणाचल, असम, नागालैंड और बंगाल में पूर्वी आर्मी कमांड में 1,75,500 सैनिक तैनात हैं। इस तरह सैनिकों की कुल संख्या हो जाती है 2,25,000। अब इसकी तुलना चीन से करते हैं। चीन के तिब्बत मिलिट्री क्षेत्र में 40,000 सैनिक हैं, चीन के शिनजियांग मिलिट्री क्षेत्र में 70,000 सैनिक, वेस्टर्न थिएटर कमांड में 90,000 से 1,20,000 सैनिक। इस तरह चीन के सैनिकों की संख्या कम से कम 2,04,000, अधिक से अधिक 2,35,000 के बीच है। यहाँ भारत के पक्ष में रणनीतिक लाभ भी है, क्योंकि चीन की सैन्य शक्ति बिखरी हुई है। सैनिकों को एक से दूसरी जगह पहुंचाना उसके लिए सरदर्द है। चीन अपने 2,00,000 से ज्यादा इन सैनिकों को एक साथ भारत के खिलाफ तैनात करने की स्थिति में नहीं है। शिनजियांग और तिब्बत में हो रहे विरोध को दबाने के लिए चीनी सैन्य शक्ति का एक बड़ा हिस्सा वहां उपलब्ध नहीं होगा, जबकि चीन के खिलाफ भारत की सैन्य तैनाती एकदम मारक है और अलग अलग हिस्सों में अच्छी तरह बंटी हुई। ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अनुभव होने के कारण भारत की स्थिति बेहतर है। यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने अपने सैनिकों को खास तौर पर उत्तरी और पूर्वी बॉर्डर पर चीन के मुकाबले के लिए तैयार किया हुआ है। एयरफोर्स की ताकत की तुलना करें तो भारत की पश्चिमी एयर कमांड के पास 75 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और 34 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट। ये श्रीनगर, लेह, पठानकोट, आदमपुर और अम्बाला सेक्टर में तैनात है। केंद्रीय एयर कमांड यानी बरेली, ग्वालियर और गोरखपुर सेक्टर में 94 फाइटर एयरक्राफ्ट और 34 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा पूर्वी एयर कमांड यानी जलपाईगुड़ी, तेजपुर और झाबुआ सेक्टर में 101 फाइटर एयरक्राफ्ट है। अब तुलना में चीन के आंकड़े देखिए। चीन की वायु शक्ति अलग अलग इलाकों में तैनात नहीं है। चीन की पश्चिमी थिएटर कमांड में 157 फाइटर एयरक्राफ्ट है, एकदम सटीक निशाना लगाने वाले 20 यूएवी है, 12 ग्राउंड अटैक यूएवी और 8 EA-03 यूएवी। परमाणु शक्ति की बात करें तो चीन के पास 104 न्यूक्लियर मिसाइल हैं जो पूरे भारत पर स्ट्राइक कर सकती हैं। भारत के पास अग्नि-3 लॉन्चर सिस्टम है जो पूरे चीन में कहीं भी स्ट्राइक करने में सक्षम है। चीन के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिनकी रेंज 11,000 और 7,000 किलोमीटर है। ये भी भारत पर और यहाँ तक कि अमेरिका तक पहुँचने की क्षमता रखती है। DF-21 मिसाइल की रेंज 2,150 किलोमीटर है और इससे चीन दिल्ली को टारगेट कर सकता है। इसके अलावा चीन के पास पूर्वोत्तर भारत और भारत के पूर्वी तट पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की क्षमता है। भारत के पास परमाणु क्षमता वाले 51 विमान जो ग्रेविटी बम से लैस हैं। भारत अपने अग्नि-2 लॉन्चर से भी चीन के कई इलाकों को टारगेट कर सकता है। इन आंकड़ों को अगर आप समझेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि अगर युद्ध होता है भारत और चीन के बीच तो भारत अपनी उत्तरी सीमाओं में चीन पर भारी पड़ेगा। अव्वल तो चीन के पास युद्ध का अनुभव नहीं है, दूसरा उसने अपनी शक्ति का वितरण सही तरीके से नहीं किया हुआ है। जम्मू कश्मीर के अक्साई चिन इलाके में तिब्बत को चीन से जोड़ते 817 किलोमीटर लंबे सड़क का निर्माण चीन ने 1954 के बाद ही किसी समय शुरू कर दिया था, पर तब उसकी दोस्ती पर भरोसे ने भारत के हाथ बांध दिए थे। एक के बाद एक संकेत ये मिल रहे थे कि चीन जो है वो अपने जो वो समझता है कि अक्साई चिन उसका है उसको लिए बगैर छोड़ेगा नहीं। दूसरी एक और चीज़ है
कि शायद चीन बीच बीच में संकेत दे रहा था कि हम पॉलिटिकल लेवल पे इस मामले को शायद सुलझा सकें, बाद में जो तकनीकी लेवल ऑफिशियल लेवल पे जो होता रहेगा वो होता रहेगा। पर नेहरू साहब ने इस प्रपोजल को भी ठुकरा दिया। तो एक मेरे को रह रह के बात याद आती है कि किसी ने कहा था कि when the fog cleared, the Chinese were there। मतलब हमको होश तभी आए जब सब कुछ लुट चुका था। वो चीन के जमीन हथियाने की जुगत की शुरुआत थी। 1962 के अंत तक सड़क के निर्माण से शुरू हुई कार्रवाई में चीन पूरे अक्साई चिन को हथिया चुका था, पर अब नहीं, अब भारत खुद सड़कों के जाल बुनता है। चिंदी चिंदी जमीन को कब्जाने की कोशिशों में लगे चीन को असली दिक्कत ये है कि भारत वहाँ निर्माण क्यों कर रहा है, लगातार सड़कें क्यों बना रहा है। चीन बौखला रहा है, लेकिन भारत अपनी सड़क नीति पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। दुर्भुग शोक एंड दौलत बेग ओल्डी रोड इज अ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट रोड फॉर इंडिया एंड वी हैव इंडक्टेड इन 2015 50 BRTF, which is solely looking after construction of this road. We are following new technology like cementitious base and sub-base and to enhance our speed of construction. And similarly, we are going in for class 70 equipment bridges so that bridges can be launched and connectivity can be given fast at the fastest. युद्ध जैसी स्थितियां बनने पर सरहदी दुर्गम इलाकों में पहुंचने के लिए भारत के पास कोई रास्ता नहीं होता था। डोकलाम की घटना के बाद भारत ने इसे अच्छी तरह समझते हुए सड़क निर्माण शुरू किया तो चीन के कान खड़े हो गए। उनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर तक है, सब सब ऑल अक्रॉस LAC, और जबकि हमारी तरफ से जब हम थोड़ा सा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कोशिश करते हैं वो हमेशा किसी ना किसी डिसगाइज में वो हमेशा इसमें प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, जैसे कि अब हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारी वो रोड को और फर्म अप किया जा रहा है जो DBSDO रोड जो बनी है, और उसमें वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। चीन को लेकर भारत का अप्रोच बहुत बदला है। पहले चीन एक बार मुस्कुराता था, भारत नई दोस्ती की संभावनाएं तलाशने लगता था। वरना 1967 की वो जीत आज तक इतिहास की किताबों में क्यों नहीं दर्ज की गई? 1986-87 में जो गतिरोध सीमा पर देखा गया उसके लिए जवाब तलब क्यों किया गया अधिकारियों को? आज भारत डोकलाम की परिस्थिति से, डोकलाम के गतिरोध से न सिर्फ खुद सीख रहा है बल्कि दुनिया के सामने ये कह रहा है कि हाँ, हम डट कर खड़े रहे और अब भी खड़े रहेंगे। नया भारत न जमीन छोड़ेगा, न निर्माण छोड़ेगा, न पहली गोली चलाएगा, लेकिन चीन के मंसूबों के लिए जरा सी भी गुंजाइश नहीं छोड़ेगा। चीन की शातिराना फितरत को समझते हुए भारत ने न सिर्फ लद्दाख बल्कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यानी जहां जहां चीनी अतिक्रमण के जितने सुराख हो सकते हैं वहां वहां अपने फौजी बूट अड़ा दिए। चीन बात कर रहा है तो भारत भी बात कर रहा है। आघात या विश्वासघात की सूरत में जवाब वैसा ही दिया जाएगा। देखिए, जब से ये हमारी एक्सरसाइजेस शुरू हुई हैं चाइना के साथ में, पहले चीन जानता नहीं था हम क्या हैं। अब जब चीन हमारे साथ उसने इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस के अंदर जो हम करते हैं अपनी आर्मी टू आर्मी एक्सरसाइजेस, उसने देखा है कि हमारी कार्रवाइयाँ कैसे होती हैं, हमारा जोश हमारे जवानों में क्या है। आज एक हमारा जो सिपाही है वो किसी भी सेना के 10 सिपाहियों के बराबर है। चीन की बातचीत की पेशकश पर भारत ने पहले ही कहा था कि सैनिकों का जत्था चीन को पूरी तरह वापस लेकर जाना होगा, लेकिन चीन इसी स्थिति में बात करना चाहता है तो भारत ने अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली, क्योंकि एक बात भारत जानता है कि चीन पर भरोसा बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान चाइना को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि चाइना कहता कुछ है और करता बिल्कुल अलग है। इसको निगाह में रखते हुए हमें पूरे बॉर्डर को लद्दाख में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, सिक्किम में और अरुणाचल में स्ट्रेंथन किया है, एयरफोर्स को भी डिप्लॉय किया है,
और चाइना को साफ तौर पर कहा कि हिंदुस्तान फॉरवर्ड पोस्टर से पीछे नहीं हटेगा जब तक चाइना जो है हमारी सरजमी से हर प्रकार से पीछे नहीं हटता। चीन के साथ कई दशक के संबंधों में गए दौर की भूलों से सबक लेकर भारतवर्ष ने अपना नया भविष्य गढ़ना शुरू किया है, जिसमें दोस्ती की आड़ में विश्वासघात के खंजर के लिए कोई रियायत नहीं रखी गई। चीन मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता है, लेकिन चीन एक तरीका का पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहा है। हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग में कोई ढील नहीं देनी चाहिए। लद्दाख से अरुणाचल तक हम लोगों ने अपनी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है और अपनी जो क्षमता है उसको पूरा तैयार रहना है। चीन मुस्कुराता है, उसका विदेश मंत्रालय शांति के श्वेत पत्र पढ़कर सुनाता है, उसका फौजी जत्था पीछे हटकर मिथ्या विश्वास जगाता है ताकि एक बार फिर फरेब का जाल बुना जा सके, ताकि फिर एक बार धोखे को दोहराया जा सके। लेकिन भारत ने इस बार जैसा जवाब दिया है वो इशारा है इस बात का कि वो दिन बीत गए जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के पीछे चीन अपनी कुटिलताओं को छुपा ले जाता था। अब कूटनीति, रणनीति, युद्ध नीति भारत सामने खड़ा है, आंखों में आंखें डाले पूरे आत्मविश्वास के साथ। भारत जो है वहां पे अभी डट के बैठी हुई है और आंख में आंख मिलाई हुई है। मतलब हम लोगों ने ये तो ग्राउंड पे तय कर लिया है और बताया है, सिग्नल दिया है चीन को कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और आपको स्टेटस को एंटे करवाएंगे। मतलब जहां पे आप पहले थे ये सब करने के पहले, वहीं आपको जाना पड़ेगा। 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी के चप्पे चप्पे पर भारतीय फौज तैनात है। हर मोर्चे पर रिजर्व फॉर्मेशन से अधिक सैनिक डिप्लॉय किए गए हैं। जहां चीन के हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं वहां भारत ने एयरफोर्स को एक्टिव कर दिया है। लद्दाख में तो चीन के बराबर भारतीय सैनिक डटे हुए हैं ही, बोफोर्स तोपे भी तैनात हैं। एलएसी के ऊपर चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उनके रास्ते बहुत अच्छे हैं, हमें भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते रहना चाहिए जिससे कि हमारे जो जवान हैं जो एलएसी के ऊपर हैं उनके जो लाइफ है वो थोड़ा कंफर्टेबल हो सकता है। हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि किसी वक्त भी हमें कोई सरप्राइज न कर सके। जिस तेजी और गंभीरता से भारत ने चीन को जवाब देने के मोर्चे तैयार किए हैं वो भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे ये पता चलता है कि भारत के इरादे कितने मजबूत हैं। चीन जिस रास्ते से आएगा भारत उसे उस रास्ते पर मिलेगा, जिस अंदाज में मिलेगा उस अंदाज में भारत मिलेगा। ये उन्होंने काफी अलग अलग जगह में कॉन्फ्रंटेशन पॉइंट्स खोले हैं। नकुला जो नॉर्थ सिक्किम में है, नथुला नहीं नकुला, वहां तक उन्होंने किया है और नेपाल को भी उन्होंने भड़काया है। तो ये मामला जो है सोच समझ के चीन ने किया है और हम लोगों को भी, और हम लोग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जो जवाब दे रही है वो भी सोच समझ के हम कर रहे हैं। चीन बातों बातों में मामल्लपुरम में हुई प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात का हवाला देकर रिश्तों में ऑल इज वेल का मैसेज भेज जरूर रहा है, लेकिन भारत उसके झांसे में आ जाएगा ये उसका ख्याल है बस। मनोविज्ञान की लड़ाई में भी भारत चीन से आगे है। चीन के खाते में वियतनाम से मिली हार, दक्षिणी सूडान में जान बचाकर भागे चीनी सैनिकों के इतिहास के अलावा शौर्य का कोई पल नहीं। भारत का हर दिन किसी न किसी अघोषित युद्ध से शुरू होता है और शाम तक विजय के साथ खत्म होता है। जंग में हथियार जरूरी हैं, लेकिन अनुभव और हिम्मत उससे भी ज्यादा। यहाँ भारत का पलड़ा भारी है। ताकत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की तुमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, इंसान के हम रखवाले। अभी तक सब ठीक चल रहा है, बातचीत भी चल रही है, लेकिन अजीब सी बात है कि बातचीत के हर दौर के साथ चीन अपनी सेनाओं का कारवां लंबा कर देता है। चीन को समझने की जरूरत है कि भारत कब तक सब्र करेगा। कि इंडिया और चाइना अभी मीटिंग हो रहा है, तो अगर मीटिंग अगर बातचीत से हल होता है तो
हम दोनों देश के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। अगर बातचीत से हल नहीं होता है तो आर्मी तो आगे जाएंगे। साथ में मैं एक रिटायर होने के नाते ये कहना चाहूंगा, मैं खुद एक वॉलंटियर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। चीन का विदेश मंत्रालय एक तरफ कहता है कि दोनों देश सहमति के आधार पर स्थिति सामान्य करने की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हर रोज वो सैनिक साजो सामान बढ़ाता जाता है। बयानबाजी के बीच उसने सबसे ताकतवर गाड़ी पर माउंट होने वाले PCL-181 हाउइट्ज़र को अपने बेड़े में शामिल कर लिया। रणनीति के हिसाब से यह चौंकाने वाला कदम था, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकने की बारी चीन की है, क्योंकि भारत पर उसके इस साइकोलॉजिकल गेम का कोई असर नहीं पड़ रहा। भारत ने लद्दाख में सड़कों का निर्माण तो बंद किया नहीं, दूसरी सीमाओं पर निर्माण और तेज कर दिया। ये तस्वीरें उत्तराखंड के जोहार घाटी में हेलीकॉप्टर से सड़क निर्माण की मशीनरी पहुंचाने की, ताकि चीन के खिलाफ रणनीतिक और सामरिक रूप से जरूरी मुनसियारी बोगदियार नीलाम सड़क को जल्द पूरा कर लिया जाए। ये क्षेत्र बहुत दुर्गम है, जिसकी वजह से यहाँ मशीनरी ला पाना आसान नहीं था। 2019 में कई कोशिशें नाकाम हुई। 65 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट लंबे समय से अटका पड़ा था। अब BRO लासपा तक हेलीकॉप्टर्स के जरिए मशीनरी ले आया है। ये सड़क उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत चीन सीमा पर आखिरी पोस्ट तक पहुंचने का काम करेगी। चीन की सबसे बड़ी बेचैनी ही भारत का सड़क निर्माण कार्य है, और अब जब दोनों देश आमने सामने हैं, तब भी निर्माण कार्य रुका नहीं बल्कि और तेज हुआ है। दक्षिण कश्मीर में श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के बराबर में इमरजेंसी हवाई पट्टी बनाने का काम जोरों पर है। 3.5 किलोमीटर लंबी यह हवाई पट्टी इमरजेंसी ऑपरेशंस में बहुत काम आएगी। सामरिक मजबूती के तौर पर हिंदुस्तान का यह बेहद अहम फैसला है, जो संकेत है इस बात का कि मुस्तैद है भारत दुश्मन की हर चुनौती का जवाब देने के लिए। चाइना के जो फोर्सेस हैं, उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस किया है और वो इलाका उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं रही है अभी तक, तो वहां से तो उनको हर हालत में पीछे हटना चाहिए और हटना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारा रिस्पांस होना चाहिए कि हम लोग अलर्ट रहें, प्रिपेयर्ड रहें, और किसी भी चुनौती जहां चैलेंज जहां कॉन्टिजेंसी के लिए तैयार रहना चाहिए। और भारत की जो स्थिति है, जो मिलिट्री और सिक्योरिटी की स्थिति है, वो केपेबल है, कैपेसिटी है और मिलिट्री स्किल है। एक संदेश चीन के लिए बिल्कुल साफ है, न रुकेगा न झुकेगा भारत। बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला था, खुला है और खुला रहेगा। नहीं, मेरे ख्याल कूटनीति से ही काम चलेगा, लेकिन अगर कूटनीति से फिर नहीं काम चलेगा तो फिर हालात किस करवट बैठेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। मेरे ख्याल आंखें दिखाई जा रही हैं दोनों तरफ से, और अगर भारत दृढ़ निश्चय करके वहां पर बैठे रहे और जौन सी यथास्थिति पहले थी उसी पर वापस जाने पर इंसिस्ट करे, मेरे ख्याल वही एकमात्र सोल्यूशन है इसका। दरअसल जमीन तो बहाना है, चीन नए भारत के ताव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसीलिए तमतमाया ड्रैगन बार बार फुफकारता है। डोकलाम के बाद चीन को लगा था वो भारत पर दबाव बना पाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन हुआ उसका उलट। भारत ने अपने सैन्य ढांचे को और मजबूत किया। सितंबर 2019 में भारत ने पूर्वी लद्दाख में जबरदस्त सैन्य अभ्यास किया, जिसमें टैंक, इन्फेंट्री जवान, हेलीकॉप्टर से कूदने वाले पैराट्रूपर्स, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को शामिल किया गया। इसके अगले ही महीने अरुणाचल प्रदेश में LAC से 100 किलोमीटर दूर और 14,000 फीट की ऊंचाई पर एक और युद्ध अभ्यास हुआ। इसके जरिए भारत ने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की क्षमताओं का परीक्षण किया और ये विश्वास मजबूत किया कि भारत को अगर चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ युद्ध करना पड़े तो कोई दिक्कत न हो। इसे निपटने के लिए हमारे प्रोटोकॉल पहले से हैं, वो अगर उस पेट्रोल के लेवल पर ये मामला सुलझा नहीं जा सकता तो फिर डेलीगेशन लेवल मीटिंग होते हैं, हाईएस्ट मिलिट्री लेवल कमांडर मीटिंग होते हैं, और उस वक्त आपस में बातचीत करके एक दूसरे के पॉइंट को समझते हुए फिर दोनों साइड डिसएंगेज हो जाते हैं। मौजूदा विवाद चल रहा है LAC पर, उसमें भारत के अप्रोच की खास बात यह है कि हम सिर्फ सैन्य नीति पर जोर नहीं दे रहे हैं बल्कि कूटनीति पर भी हमारा फोकस उतना ही है। नतीजा यह कि LAC विवाद को लेकर दुनिया भारत का दृष्टिकोण देख रही है।
चीन की जितनी चालें हो सकती हैं, प्रधानमंत्री मोदी को उसका अंदाजा है। लिहाजा एक तरफ समर क्षेत्र की तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही, दूसरी तरफ ड्रैगन के लिए कूटनीति का मजबूत जाल बिछाया है। But I can tell you, I did speak to Prime Minister Modi. He's not in a good mood about what's going on with China. Yeah, they have a big conflict going with India and China. Is that what you're talking about? Yes. Yeah. Yes. They have a big conflict going with India and China. Two countries with 1.4 billion people, two countries with very powerful militaries, and India is not happy, and probably China is not happy. नए भारत की विशेषता है कि वो कोई बड़ा कदम उठाने से पहले अपने मित्र राष्ट्रों को सूचित करता है। कश्मीर से धारा 370 हटाने से पहले भी ऐसा किया गया था, अब चीन का इंतजाम करने से पहले भी ऐसा ही किया गया। अमेरिका के मध्यस्थता के प्रस्ताव को अस्वीकार जरूर किया, लेकिन युद्ध की स्थिति में भारत का जवाब क्या होगा उसको लेकर सूचित किया। भारत ने अपने पारंपरिक मित्र रूस से भी चीन के रुख को लेकर चर्चा की, अपना पक्ष समझाया। रूस भले तटस्थ की भूमिका में रहे, लेकिन चीन का साथ भारत के खिलाफ नहीं देगा। ये भारत की कूटनीतिक शक्ति है कि रूस और अमेरिका आपस में दोस्त नहीं, लेकिन भारत के लिए दोनों दोस्त। रूस से कूटनीतिक तौर पर बात करना इसीलिए भी जरूरी था क्योंकि डोकलम के बाद चीन ने रूस से वैचारिक समर्थन मांगा था, तब भी रूस भारत के खिलाफ नहीं गया था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंद महासागर में सैन्य अड्डों के इस्तेमाल को लेकर सहमति भी बना ली। चीन को इससे भी बड़ी समस्या हो रही है। एक्सलेंसी, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध विस्तृत होने के साथ साथ गहरे भी हैं, और यह गहराई आती है हमारे शेयर्ड वैल्यूज, शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड ज्योग्राफी और शेयर्ड ऑब्जेक्टिव से। पिछले कुछ वर्षों में हमारे सहयोग और तालमेल में अच्छी गति आई है। भारत के कूटनीतिक रिश्ते दुनिया का समीकरण बदल रहे हैं, जिनका वर्ल्ड ट्रेड पर असर पड़ना भी तय है। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत का अगला ब्रह्मास्त्र आर्थिक मोर्चे पर चीन को मात देना है। अब अपने लोकल के लिए वोकल होने का समय है। हर गांव, हर कस्बे, हर जिले, हर प्रदेश, पूरे देश को आत्मनिर्भर करने का समय है। अब देश प्रण कर चुका है और देश कदम भी उठा रहा है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार चीन से आयात पर सीधा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी के प्रचार और प्रसार पर जोर देकर देश में एक शुरुआत करने की कोशिश की। इसका सीधा असर चीन के व्यापार पर पड़ना तय है। छोटे छोटे स्वदेशी उद्योग गति पकड़ सकें, उनके लिए भारत पहले ही भारी भरकम आर्थिक पैकेज घोषित कर चुका है। अब खुद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय नीतियों के तहत इसे बढ़ावा देने का आह्वान कर चुके हैं। दुनिया की कई कंपनियां चीन की जगह भारत में आकर निर्माण के संकेत दे रही है।